चलिए दोस्तों चलते हैं अंदर। जैसा कि भाइयों मैंने देखी ये वाली वीडियो, इस वीडियो में भाई काफ़ी बर्फीली इलाका और काफ़ी अच्छा लगा मेरे को देखने में। तो इस जगह के बारे में पता करता हूँ कहाँ पे किस तरीके की जगह है, कैसे जाना है, मेट्रो कहाँ से मिलेगी, सब कुछ सारे इन्फॉर्मेशन पहले बताता हूँ, फिर जाएंगे वहाँ और इंजॉय करेंगे हम। तो भाई बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ पर, कहाँ में आ गया आखिर। इस जगह के बारे में बता दूँ, दिल्ली रोहिणी के अंदर एडवेंचर आइलैंड, जो कि नवीन भाइयों ने बहुत पहले वीडियो बनाई थी तो मैं आज देखी है, तो आज मैं बता रहा हूँ ये होगा काफ़ी टाइम और काफ़ी बर्फीले इलाका है, क्योंकि इतनी सड़ी गर्मी के अंदर बंदा कश्मीर मनाली जैसी जगहों के मज़े ले सकता है इस जगह पे जाके। तो बर्फीला इलाका बहुत जगह है, -10 से 12 डिग्री तक माइनस में जाता है इसका टेम्परेचर। तो आओ जरूर इन्जॉय करो, और अंदर कैसे कैसे इन्जॉय कर सकते हैं वो भी इन भाई की वीडियो से हम पता करते हैं। मतलब जहाँ पे आप -10 डिग्री के मजे कर सकते हो, और ये कोई बहुत महंगा नहीं है, बजट प्राइस में रहने वाला है, कि यहाँ पे आओ शिमला के मजे लो, मनाली के मजे लो, कश्मीर के मजे लो, इतनी सड़ी गर्मी में यहाँ पे आओ मजे करो -10 डिग्री के, भाई ठंड लग रही है मेरे को तो यार। और यहाँ आने के सिर्फ अंदर एंट्री फीस है 600 रुपए पर पर्सन। संडे और सैटरडे वाले दिन अगर आते हो आप तो 600 रुपए लगेंगे, बाकी किसी और दिन आओगे तो लगेंगे 500 रुपये। और जैसा कोई वीकेंड होता है, जैसे कोई फेस्टिवल वगैरह होगा, तो इसमें भी 600 रुपये लगते हैं इस जगह जाने के, एक बंदे के 600 रुपये। तो भाई यहाँ मैं आपको लेके आ चुका हूँ मजे करने, यहाँ पे आ सकते हो बर्फ के मजे। ये देखो बर्फ, रियल बर्फ, तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको यहाँ स्नो सिटी की लोकेशन बता देता हूँ। तो रोहिणी सेक्टर 10 में है एडवेंचर आइलैंड, तो इसी के अंदर ये जो स्नो सिटी है ओपन हुआ है पार्किंग का, यहीं पर ही आपकी 2-व्हीलर 4-व्हीलर की पार्किंग है। यहाँ पर आप सामने देख सकते हैं ये रहा है यहाँ पे स्नो सिटी आइलैंड आइसलैंड। तो यहाँ पे भी एक टिकट काउंटर बनाया है, आप चाहो तो वहाँ से ले सकते हैं टिकट, या फिर यहाँ से आप ले सकते हैं। आखिर फाइनली पहुंच चुके हैं मेन एंट्री गेट पे, और एंट्री गेट के अंदर क्या होने वाला है कुछ स्पेशल है, तो वीडियो में बने रहो। तो भाई अंदर यहाँ पर हम आया, ये आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का लुक हमें दिखाई देने वाला है। यहाँ से आपको जैकेट मिल जाती है, सर्दी में भाई ठंड तो लगेगी, -10 डिग्री है, तो जैकेट वगैरह यहाँ से आप ले सकते हैं। बच्चों के लिए बड़ों के लिए सारे साइज यहाँ मिल जाते हैं, और ये जो है टिकट में ही है, इसका अलग से आपको पैसा नहीं देना। ये बात मेरे को अच्छी लगी कि वहाँ पे कोई ड्रेस व्रेस लेने के ना कोई कपड़े नहीं, बाकी मैं काफ़ी सारी जगह गया हूँ ना स्विमिंग पूल वगैरह, तो वहाँ पे पता है लोअर टी शर्ट चड्डी वड्डी के जो पैसे वैसे लेते हैं कोई 100-200 रुपये चार्ज, लेकिन इसके अंदर बता रहे कि कोई चार्जेस नहीं है इस जैकेट की, शायद जूते भी मिलते हैं यहाँ पे फ्री में, तो जूते और कपड़ों के यहाँ कोई चार्जेस नहीं है जैकेट की। भी आपको बता देंगे ये कि भाई आपको कौन कौन सी फोटो पसंद आई है वो आप ले सकते हैं, प्राइस वगैरह वो बता देंगे आपको आपके हिसाब से ही, मतलब जितनी आप फोटो क्लिक करोगे, जितनी आप फोटो लोगे उस हिसाब से। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अंदर। चलो भाई देख रहा हूँ कितना भैया बर्फीला इलाका है, मतलब ऊपर का आसमान भी ऐसा लग रहा है जैसे कि असली है, लेकिन वो असली नहीं है, लेकिन इतना आर्टिफिशियल बना रखा है एकदम रियल की तरह, और बर्फ -10 डिग्री जा रहा है। दोस्तों हम आ चुके हैं -10 डिग्री में, मुंह से देखो फॉग निकल रहा है भाई, एक्साइटेड हो एंजॉय करने के लिए, देखते कितना मजा आएगा। पहले दिखा देते हैं यहाँ पर है क्या क्या, जैसे हम एंटर होते हैं यहाँ पे ट्रम्पलिन दिखाई देता है, उसके बाद यहाँ पे हल्क दिखाई देता है, ये देखो यहाँ पर ऊपर एक हैंगिंग ब्रिज है, तो इसके ऊपर से हम जाएंगे क्रॉस करके, काफी मजा आएगा, हिलता है ये पूरा, मतलब अगर आप ऋषिकेश गए तो आपने राम झूले पे चले ही हो गए आप, तो राम झूला जैसे हिलता है ना वैसे ही ये भी हिलेगा। तो ये देखो भाई यहाँ पे डियर है एक, तो ये डियर जो है पूरा देखो स्नो के अंदर डूब चुका है, इतनी स्नो है, छुएंगे एक बार नहीं यार, बाद में छुएंगे, पहले आपको दिखा देते हैं क्योंकि हाथ बर्फ हो जाएंगे वरना। ये देखो यहाँ पे ये डीर आप देख सकते हैं, देखो ट्रेन का लुक दिया हुआ है पूरा, ट्रेन आ रही है स्नो में से निकलते हुए, बाकी यहाँ देखो बड़े बड़े वीर बियर लगाए हैं, हकलाने भी लग गया ठंड में, ये सेल्फी पॉइंट लगाया है, ये देखो 3D वाले पिछवाड़े यहाँ पे रखे हैं 3, तो यहाँ फोटो क्लिक कर सकते हैं, स्नो 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 हो रही है यहाँ तो, वाह भाई। ओ भाई यहाँ तो बर्फ भी गिर रहे है भाई, मैं तो जाके रहूंगा इस जगह, काफी अच्छी लगी मेरे को, जाऊंगा मैं जरूर इस जगह। स्नो हो रही है ये देखो, तो स्नो के मजे कर सकते हो, रील्स वगैरह बना सकते हो यहाँ पर आप, तो कितनी स्नो यहाँ पर निकल रही है, वाह भाई वाह। ये देखो पिछवाड़ों के ऊपर स्नो गिर रही है, यहाँ पे बॉल भी लगाई हुई है आपको, मतलब इंजॉय करना हो बॉल से, और जादू मिल गया सामने, जादू हुआ देखो मोटू बदलू, ये बच्चों के लिए लगाया हुआ, बच्चे ताकि खुश हो, फोटो वगैरह क्लिक करें, धूप यहाँ नहीं मिलेगी धूप। बाकी देखो यहाँ पे ये राइड मिलने वाली है आपको, ये ट्यूब राइड है, इसके ऊपर आप मजे कर सकते हो, तो ये भी करके दिखाएंगे हम आपको। बाकी एक टनल भी यहाँ पर इन्होंने बनाई हुई है, वो आप कोने में देख रहे हो वहाँ पर,
तो ये टनल में आप मजे कर सकते हो, टनल में जाओ हाइड एंड सीक वगैरह खेलो या पकड़म पकड़ ही नहीं होता वो सब खेलो, तो यहाँ टनल में जाके इंजॉय कर सकते हैं आप। टनल के अंदर चल के देखते हैं कैसी इन्होंने गुफा बनाई है यहाँ पर, तो काफ़ी बढ़िया गेट बनाया, गेट भी काफ़ी बड़ा है, आराम से घुस सकते हैं बड़े लोग भी, जैसे कि मैं घुस गया यहाँ पर। ओ भाई फिसल ना जाऊँ भाई, वैसे तो स्नो बूट दे दिए हैं मेरे को, फिसलूंगा नहीं, तो चलते हैं यहाँ से। काफ़ी बढ़िया हवाई टनल, तो ये देखो काफ़ी बढ़िया हवाई टनल, चलो चलते हैं। मैं खड़ा होकर चल पा रहा हूँ, इतनी ऊंची इन्होंने बनाई है, 6.5 फीट की होगी लगभग, काफ़ी बढ़िया है भाई। मेरे हिसाब से भूत प्रेत भी डाल देते ना और बढ़िया लगता। चलो अंदर चलते, देखो सामने एक बच्चा है यहाँ पर। और भाई छोटू मजे आ रहे हैं, मजे आ रहे हैं? तो क्या जगह है यार, कसम से भाई मजा आ जाएगा ऐसी जगह पे अगर गए तो। बोले इस गर्मी के अंदर भी ठंड का एकदम मजा, बर्फीले इलाके का मजा। तो आप लोगों को भी ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बहुत जल्द मैं यहाँ जाने वाला हूँ और वीडियो आएगी अच्छी।